दूसरे के आवेदन पर किसी और का राशन कार्ड कैसे बन रहा है। तो मैं सबसे पहले ईपीडीएस के वेबसाइट पर ले जाता हूँ और ईपीडीएस बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार पर क्लिक करूँगा और लिंक वन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करूँ। यहाँ पर आप जिला सेलेक्ट करना है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, जिस जिला में हो, वह सेलेक्ट कर लें। आपका अनुमंडल जो भी है वो सेलेक्ट कर लें और आरटीपीएस संख्या में। तो सबसे फोटो गैलरी में खोलता हूँ, यहाँ पर मंजू कुमारी, पति का नाम चंद्रमोहन सिंह है और यह नए राशन कार्ड के निर्गमन के लिए ऑनलाइन किए, जिसका रिसीविंग आप खुद देख रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मैं ये आरटीपीएस नंबर फिल करता हूँ, 07051, 07051, 07051, 51, 720, 720, 720, 720, 5042, 5042, 100, 100, 115। और फिर से मैं आपको आरटीपीएस यानी आवेदन संख्या मिला के दिखा देता हूँ, 07051, 72, 07051, 70, 720, 720, 50, 50, 42, 42, 100, 100, 115, 115। और मैं आपको यहाँ पर शो पर क्लिक करिएगा तो देखिए यह आवेदन क्या है। ये आवेदन बेबी देवी के नाम से बना है और यहाँ पर देखिए जो आवेदिका है, जो आवेदन किए हैं, उनका नाम मंजू कुमारी है और पति का नाम चंद्रमोहन सिंह है। और मैं आपको फिर से आरटीपीएस नंबर प्रूफ के तौर पर दिखा देता हूँ, 07051, 07051, 720, 720, 50, 50, 421, 421, 00, 00, 115। आरटीपीएस नंबर सेम है। यहाँ पर मंजू कुमारी के बदला बेबी दे दिया, यानी कि किसी से जो भी बेबी देवी हैं उनसे रुपया लिया गया है और इनके नाम पर राशन कार्ड बना दिया गया है। सब फर्स्ट प्रूफ हुआ। अब सेकेंड प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अब काजल कुमारी आई है और इनके पति का नाम जितेंद्र कुमार है। यहाँ पर आरटीपीएस सेम है, केवल अंतिम के 3 अक्षर चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर 108 है, यहाँ पर मैं कैंसिल करूंगा और यहाँ पर 108 टाइप करूंगा। फिर से मैं आपको सबूत के तौर के लिए मैं आपको आरटीपीएस नंबर मिला देता हूँ, 07051, 720, 07051, 720, 504, 504, 21, 21, 00, 00, 108। यहाँ पर शो पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये काजल कुमारी आवेदिका जो आवेदन दी है और इनका आरटीपीएस नंबर भी आपको मिला देता हूँ, 07051720, 50,
0705120505 0 4 2 1 4 2 1 00 108 00108। यहाँ पर काजल कुमारी आवेदक का नाम है, यहाँ पर अप्लीकेंट नेम सीता देवी, यानी सीता देवी से भी रुपया लिया गया है, या गांव के प्रतिनिधि द्वारा गलत ढंग से कार्ड बनवाया गया है जो कि आपको प्रूफ में दिखाया गया है। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आवेदक का अंतिम प्रोसेसिंग अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया है, राशन कार्ड प्रिंट लिया जा सकता है। अब यहाँ पर ये देखिए, या तो खुद अनुमंडल का कोई रुपया लेकर सीता देवी के नाम से कार्ड बना दिया है, जो कि यह कार्ड बनना चाहिए था काजल कुमारी के नाम से। और सबसे ये बात सोचने वाली है कि राशन कार्ड पर SDO MO ADSO सिग्नेचर करता है तो क्या जांच करता है? यहाँ पर लगता है सभी मिले जुले हैं, सभी मिले जुले हैं, सभी मिलजुल के एक गलत काम हो रहा है, धांधली सभी कर रहे हैं, कोई काम ढंग से नहीं हुआ। और यहाँ पर देखिए प्रूफ के तौर पर ये भी है, देखिए पढ़िए, आवेदक का अंतिम प्रोसेसिंग अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया है, राशन कार्ड प्रिंट लिया जा सकता है। अब देखिए अनुमंडल पदाधिकारी, जो भी अनुमंडल के पदाधिकारी हैं, उनको उनके लॉगिन आईडी से प्रोसेस ये हो चुका है और राशन कार्ड भी प्रिंट ले लिया जा चुका है। तब ये चीज है कि जब अनुमंडल के पदाधिकारी का SDO साहब का मोहर लगता है तो उस समय SDO साहब भी चेक नहीं करते हैं, केवल मोहर सिग्नेचर करते हैं, ना MO चेक करता है, ना एडेसो चेक करता है, सभी धांधली में लगे हैं, घूस पर घूस चल रहा है, घूस और कुछ नहीं चल रहा है, या तो गांव का कोई प्रतिनिधि ये सब करवा रहा है रुपया देकर। अब देखिए ये हो गया काजल कुमारी, अब मंजू कुमारी वाला भी फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर 115 देता हूँ, ठीक, और शो पे क्लिक करता हूँ। देखिए फोटो, देखिए यहाँ पर RTPS नंबर मिला लीजिए 07051720507205 0705 0517205 0421 4 2 1 4 2 1 00 115 115। देखिए मंजू कुमारी और पति का नाम चंद्र मोहन सिंह, ये भी देखिए आवेदन का अंतिम प्रोसेसिंग अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया, राशन कार्ड प्रिंट लिया जा सकता है, यानी ये राशन कार्ड बन चुका है। यहाँ पर भी SDO साहब नहीं की, लेकिन ये सारा बहुत सारा प्रॉब्लम है, कोई भी आवेदिका 5 आदमी का नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करता है तो उसमें 2 जुड़ता है 3 जुड़ता है, ये क्यों होता है? ये इसलिए वहाँ पर किया जाता है कि एक कार्ड का सरकार जो भी खर्चा देती होगी, जो एक कार्ड बनाने के लिए इतना खर्चा होता है, तो ये लोग इसलिए अधूरा काम करते हैं कि 5 के बदला 2 जोड़ते हैं और 3 जो छूटता है फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से गवर्नमेंट उसके लिए फिर से अलग से फिर रुपया देगा, फिर अप्लाई होगा, फिर रुपया, ये सब कमाने के लिए ऐसा किया जाता है, 5 आदमी के बदले 2 आदमी का नाम जोड़ता है, नया राशन कार्ड बनता है तो उसमें 1 आदमी का नाम जोड़ देता है, जिससे फिर से अप्लाई करे, फिर से ठेकेदारी वाला रुपया आएगा, हम सब ADSO SDO MO जो भी बनाता है, जो ठेकेदारी रहता है, सब अपने अपने जेब में रुपया रखता है, कोई भी गलत सही से काम नहीं कर रहा, सभी गलत काम कर रहे हैं, यहाँ पे सब दोषी हैं, जितने भी अनुमंडल में राशन कार्ड बना रहा है सब दोषी हैं, सब दोषी हैं। और अब मैं आपको तीसरा दिखा देता हूँ, ये दोनों तो हो चुका है, देखिए निशा देवी सुनील पंडित, इसमें तो और हद हो चुका है, यहीं से टैग ही नहीं होता। एक सोचने वाली ये बात है कि निशा देवी अपने परिवार के पूरा आधार कार्ड लगाई होगी, तो उसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें किसी मुस्लिम महिला के नाम से बना है, तो यानी यही है कि या तो खुद मुस्लिम महिला अनुमंडल जाके रुपया देके बनवाई है, तो इनके RTPS नंबर से उनका बना है,
या तो गांव का कोई भी प्रतिनिधि जो जीता हुआ है वोट इलेक्शन के चलते ये सब काम करवा रहा है, जो इसकी उत्तरदायित्व SDO, MO और ADSO को होना चाहिए, जो कि अपने उत्तरदायित्व से निहित है। इन सबको सस्पेंड किया जाना चाहिए, सब गड़बड़ी करता है। जो लॉन्ग लाइन में लग के कोरोना काल में पुलिस के डंडा खा खा के राशन कार्ड अप्लाई की है RTPS काउंटर पे जाके, उन सब बेचारी का राशन कार्ड नहीं बनेगा, और यहाँ पे धनाढ्य लोगों को रुपया देकर घर बैठे राशन कार्ड बनवा लेती है। देखिए, ये भी आपको प्रूफ में जांच के बता देता हूँ, प्रूफ के साथ कैसे हो रहा है। यहाँ पर मैं कैंसिल पर क्लिक करता हूँ, देखिए कैंसिल पर क्लिक करता हूँ, फिर से यहाँ पे RTPS अंतिम का 110 है और 115 है, तो यहाँ पर 110 देते हैं। अब RTPS नंबर फिर से आपको दिखा देते हैं, 07051720 50, 07051720 50 42100 42100 110। सेम टू सेम RTPS में आप जो भी वीडियो देखें गौर से सुनिए और गौर से देखिए, जो भी देखिए। देखिए, अब मैं यहाँ पर शो पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ सावरीन खातून के नाम से ये कार्ड बना है। देखिए कितना धांधली हो रहा है, कितना धांधली हो रहा है। यहाँ पर देखिए RTPS नंबर फिर से मिला देता हूँ, 07051720501 00 07051720 50 100 RTPS नंबर आप खुद से मिला लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे क्या धांधली हो रही। देखिए निशा देवी, सुनील पंडित, अगर चल भाई निशा देवी के बाद रिशा देवी अगर प्रिंट हो जाता, एक ये प्रोसेस भाई गलती से टाइप हो गया। यहाँ पर साफ देखिए सावरी खात्म कैसे होगा, कैसे देखिए RTPS को किसी के RTPS नंबर से किसी दूसरे को किस तरह से धांधली चल रहा है। या तो गांव का प्रतिनिधित्व जो जीता हुआ है वो करवा रहा है, या तो अनुमंडल में खुद रुपया लिख के दूसरे के RTPS नंबर से दूसरे का राशन कार्ड बनवा है। यहाँ पर जो राशन कार्ड बनवा रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर, MO, ADSO, SDO, राशन कार्ड पे MO का सिग्नेचर होता है, SDO का सिग्नेचर होता है, क्या केवल वो सिग्नेचर मोहर मार रही है? ये नहीं देख रही है कि क्या फॉर्म भरी है, क्या आवेदक का प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, सिर्फ मोहर मारते जाओ, रुपया कमाते जाओ, सिर्फ रुपया धांधली है और कुछ नहीं है। आप ये प्रूफ देखिए, देख रहे हैं निशा देवी के बदला सावरीन खातून का बना है। यानी यही है, गरीब लोग धूप में लाइन में लग के मरते रहे, धनात लोग घर में बैठे ही रुपया दे के काम करवा ले। देखिए ये भी प्रिंट लिया जा सकता है। देखिए आवेदन का अंतिम प्रोसेसिंग अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया, राशन कार्ड प्रिंट लिया जा सकता है, ये भी देख रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये ऐसा क्यों? देखिए कोई भी जैसे नाम जुड़वाने के लिए 5 आदमी का नाम देता है, 10 आदमी का, क्यों 2 आदमी का नाम जुड़ के सबको छोड़ देता है? क्योंकि इसलिए छोड़ता है, सरकार जो भी है एक कार्ड बनाने में जो भी खर्चा देती है एक अनुमंडल एडेशो को, तो वो अब रुपया ठेकेदारी के थ्रू हो रहा है। तो ये लोग ये करते हैं कि जैसे 10 आदमी का नाम जोड़ देंगे तो फिर तो उनका तो जैसे कि सरकार 20 रुपया एक कार्ड के लिए दे रही है, तो वो 20 रुपया अगर एक ही बार में अगर प्रिंट करके सब सही सही से दे दे तो 20 रुपया में काम फाइनल हो गया। अब यहाँ पर 2 आदमी का नाम जुड़ेगा तो फिर से वो आवेदी का अप्लाई करेगी 8 आदमी के लिए, फिर से सरकार 20 रुपया देगा, फिर से 2 आदमी का नाम जोड़ देगा, फिर से 6 आदमी का नाम छोड़ देगा, फिर से वो अप्लाई करेगी तो फिर सरकार से 20 रुपया लेगा। ये रुपया कमाने के चक्कर में ये सारा काम हो रहा है, केवल धांधली है। यहाँ पर MO, ADSO, SDO सब पर कार्रवाई किया जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर पर भी किया जाए। कैसे हो गया सावरीन खातून का, कैसे बन जाएगा निशा देवी के बदला सावरीन खातून का बन गया? सोचने वाली बात है।